नमस्ते। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर इतने सारे औजार दिखाई दे रहे हैं, ये सब विद्युत के कार्यों में उपयोग होने वाले औजार हैं। इनको टूल्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल टूल्स भी बोलते हैं। इन सब टूल्स के बारे में बारी बारी से सर जानकारी देंगे, तो सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शुरुआत करें। चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर के बारे में। ना स्क्रू ड्राइवर होते तो बहुत से प्रकार के हैं। आपके सामने जो रखा हुआ स्क्रू ड्राइवर, जो फोर मतलब स्टार पॉइंट वाला दिया हुआ है, और इसी को अपन पलट देंगे तो इसमें 2-in-1 काम कर सकता है। अपन इसमें 2-way वाला भी स्क्रू खोल सकते हैं। देखिए जैसे जो स्क्रू आपके सामने रखा हुआ है, जो सिंपल स्क्रू है 2-way वाले, तो अपन इसको इस तरीके से यूज करते हैं। और स्क्रू ड्राइवर जब अपन यूज करते हैं तो इसका भी तरीका होता है कि अपन को इसको इस तरीके से पकड़ना और इसका प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा और कोई भी कैसा भी स्क्रू रहेगा वो खुल जाएगा, अपन को परेशानियां नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो अभी तो अपन ने बात की सिंपल 2-way वाले की, अब अपन बात करते हैं स्टार। अपन इसको पलट देंगे तो स्टार पॉइंट वाला स्क्रू रहेगा, तो स्टार पॉइंट वाला भी स्क्रू अपन इसमें खोल सकते हैं। ये देखिए इसमें स्टार मतलब 4 पॉइंट बने हैं। इसको अपन इस तरीके से यहाँ लेंगे और आसानी से इसमें खोल सकते हैं। इसको भी पकड़ने का तरीका है कि इसको प्रेशर अपन को अंगूठे से देना है और इसको अपन खोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार का जो रेड कलर का भी स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है ताकि अपन विद्युत में काम आम करेंगे, जिससे कोई फॉल्ट आल्ट करंट अरेंट का डर नहीं रहता, इसीलिए अपन को कवर्ड वाले इंसुलेटर वाले स्क्रू ड्राइवर का ज्यादा यूज करना चाहिए। इसमें भी 2-way वाला भी है और इसको भी अपन अगर पलट के देखेंगे तो इस साइड 4-way वाला भी। तो ये सिंपल 2-way वाले भी आते हैं और इसमें हमने आपको दिखा दिया कि 2-way और 4-way दोनों स्टार पॉइंट है। इसके बाद अपन चलते हैं टेस्टर के बारे में। टेस्टर हर इलेक्ट्रिकल चीजों में, अपन को कोई लाइन में काम करना, इससे पहले अपन को लाइन को चेक करने के लिए टेस्टर की जरूरत पड़ती है। और अपन काम करते हैं करंट अरेंट है नहीं, सुरक्षा के लिए भी अपन टेस्टर से लाइनों को चेक करते। लाइन कैसे चेक करते, अपन ने जो स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पर अपन इसको लगा के देखेंगे कि जो लाइट जल रही, मतलब अपन को इसमें फेस मिलता हुआ दिखाई देता है। जी देखिए आप जी, ठीक है। और जब टेस्टर का आप यूज करिएगा तो इसमें अर्थिंग अपने बॉडी का अर्थ देना है ताकि ये बल्ब जल सके। फेस तो मिलता है, जब फेस और अर्थ मिलेगा तो ये अपना टेस्टर काम करेगा जी, ठीक। इस तरीके से अपन ने देखा टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, ऐसे ही सिंपल होता अपना स्केल। स्केल वैसे जनरली सब लोग जानते हैं, स्केल में सेंटीमीटर की भी रेंज दी रहती है, इंच की भी दी रहती है, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें इस ये देखिएगा आप, नंबर 1 इंच 2 इंच ऐसा 12 इंच का है, मतलब 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। सेंटीमीटर भी दिया है, ये 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो सेंटीमीटर छोटा होता है और इंच अपना बड़ा होता है, इसलिए अपन को कोई भी चीज का यूज करना है, कोई बोर्ड बनाना है, उसके लिए अपन सबसे ज्यादा स्केल का यूज करते हैं। आगे है एल एन की मतलब होता है एल की तरह बना हुआ, इसका नाम इसलिए एल एन की दिया हुआ है। और इसमें अगर मान लो 4-6 पॉइंट वाले जो स्क्रू एल एन की स्क्रू जो रहते हैं, उसको अपन को खोलने के लिए देखिएगा जी, एल एन की स्क्रू इस तरीके के रहते हैं। इसके लिए भी खोलने के लिए अलग अलग नंबर के टूल्स आते हैं और अलग अलग नंबर की एल एन की अपन उसको स्क्रू ड्राइवर के हिसाब से अपन को लगाना है। देखो इसमें भी 5-6 पॉइंट बने हुए हैं जिसमें अपन को एल एन की आराम से यहाँ रख जाएगी, इसको अपन प्रेस करके खोल सकते और लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी ये दिया है स्क्रू गेज अपन जब बाइंडिंग में काम करते हैं, तारों का गेज करना है, तार का नंबर पता करना है, इसके लिए अपन इसमें वायर यहाँ पर लगा के तार का स्क्रू गेज का पता करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो एमएम में भी आता है, मिलीमीटर में भी आता है, इंचेस वाला भी आता है, जैसे 25.4 मिलीमीटर बराबर होता है 1 इंच, तो इसके लिए अपन स्क्रू गेज का यूज। इसमें घूमने वाले भी स्केल दिए रहते हैं। अगले जब अपन आगे बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे तो इसका हमको गेजेज के बारे में आपको और क्लियरिटी जानकारी देंगे। यहाँ पर अपन देखो यहां लगाना है, एक जे घुमाने वाला भाग होता है, इसमें घूमने वाले भाग में स्केल की रीडिंग है, और जे रैचेट रिंच रहता है जे, इस तरीके से अपन इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। आगे जे कैंची दी हुई है, कैंची वैसे जनरली सभी लोग जानते हैं कि कैंची का अपन यूज किस लिए करते हैं, तो किसी भी चीज को काटने के लिए अपन को आवश्यकता पड़ती है, पेपर काटना है, बाइंडिंग का पेपर, कोई भी चीज, तो कैंची का अपन यूज करेंगे। ऐसे ही जे दिया हुआ है एडजस्टर पाने भी अलग अलग नंबर के आते, 10 नंबर 8 नंबर 15 नंबर, इसको जितने भी अपन को खोलना चाहेंगे, जितनी डिस्टेंस है उस हिसाब से इसको खोल के अपन इसमें इसका हिसाब से लेके आ जाएंगे और यहाँ पर अपन इसमें वर्किंग करना चालू कर देंगे जी। इस तरीके से जितना छोटा पॉइंट है जी, यहाँ पर अपन इसको लगा लिए और इसको एडजस्ट करके अपन खोलना चालू करेंगे जी। ऐसा फंसा लेते हैं तो इसमें नंबर जी, इसका नाम है एडजस्टर पाना।
ऐसे जो दिया हुआ है। आयल की के बारे में, आयल की अपन को बेरिंग है, बसों में ग्रीसिंग रीसिंग आयलिंग डालने के लिए एलएन की का यूज करते हैं, ऑयल कैन, ऑयल कैन बोलते हैं। जे पट्टी पाने हैं, पट्टी पानों का भी नंबर आता है, 8-10 का आता है ना। जैसे जे पट्टी पाना जो दिया हुआ है, ठीक है ना, 10-11 नंबर का पट्टी पाना दिया हुआ है, 10-11 नंबर का अगर इसमें है तो 10, ये देखो 10-11 नंबर का नट बोल्ट है तो अपन उसमें वर्किंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से पट्टी पाने आते हैं और इसके नंबर, जैसे ये 14-15 नंबर का पट्टी पाना है, ठीक है। इसी तरीके से ये पाइप पाने भी आते हैं और जिस टूल्स की जिस जगह पर जरूरत पड़ेगी इस पर भी नंबर डले होते हैं। पाइप पाने पर ये 10-11 मतलब इसमें 10 नंबर का और 11 नंबर का अपन नट बोल्ट खोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो इससे बड़ा साइज है इसमें 12 और 13 नंबर जो दिया हुआ है इस पर अपन 12-13 नंबर का यूज कर सकते हैं, ठीक। यहां पर अपन देखते हैं अब ड्रिल मशीन के बारे में, है ना। जो ड्रिल मशीन दी है कि किसी भी बोर्ड वोर्ड बनाना है, किसी दीवालों में छेद करना है, बोर्डों में छेद करना है, उसके लिए अपन ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। और ड्रिल मशीन में इसकी की दी होती है जो इन पिनों को बदलने के लिए, पिन अलग अलग साइज की आती है मार्केट में, ठीक है ना। इन पिनों को दीवाल में छेद करने के लिए पिन अलग आती है और अपन को बोर्ड में छेद करने के लिए अलग पिन आती है। तो अपन इसको इस तरीके से जिस नंबर पर लगाना है अपन इसको लगा के, ठीक है, और चाबी की सहायता से अपन इसको बराबर प्रॉपर टाइट करना है, लूज वूज नहीं होना चाहिए, नहीं उससे भी खतरा रहता है, कई बार ये पिन टूट के अपन के आंख कान कहीं भी लग सकती है ना, इसका भी अपन को विशेष ध्यान रखना है। अपन एलएनजी इसको टाइट कर लेंगे, इसको पावर देंगे तो अपन देखते हैं कैसे यूज होती, कैसे चालू होती। अपन ने इसको पावर सप्लाई दिया और इसको चालू करेंगे, चालू करके दिखा रहे हैं अब आपको, ठीक है। इस प्रकार से अपन वर्किंग करते हैं इसमें, ठीक। तो इसको अपन बोलते हैं ड्रिल मशीन। ठीक है, यहाँ पर दिया है अपने पास एक तोता प्लायर, इसका नाम है तोता। ये तोते की तरह, पैरेट की तरह इसका मुंह है, इसलिए इसका नाम, ये देखिए आपके सामने जो खुल भी रही तोते के जैसे, कि जितना बड़ा अपन को साइज करना है इसको अपन खिसकाते चले जाएंगे, इसका साइज बढ़ जाएगा। तो इतना साइज तक का अपन इसमें इंस्ट्रूमेंट कोई खोलना है तो अपन इसको खोल सकते हैं। जैसे ये देखो, जो तोते की तरह पकड़ ली और इसको खोलने में मदद करता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन जो इतने टूल्सों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने काफी कुछ औजारों के बारे में इसमें जानकारी हासिल की है। अभी और भी औजार बाकी हैं, इनको हम अगले भाग में दिखाएंगे। तो तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।